जैसा कि आपको पिछला ध्यान होगा, अपनी जो एक्सरसाइज है 9.4 के पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे ना। आज हम लोग 9.4 के जो एग्जांपल हैं, मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल तो कराऊंगा नहीं, 2-3 एग्जांपल करा रहा हूँ बस, है ना। उसके बाद हम 9.5 में प्रवेश कर जाएंगे। तो 9.4 का एग्जांपल 23वां करा रहा हूँ मैं, ठीक। तो देखो, माना आई बराबर इंटीग्रेशन, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू डी एक्स, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। मैंने आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए एक शर्त बताई थी कि ऊपर कम घात वाले पद होने चाहिए, अर्थात जैसे x की अधिकतम घात कितनी है ऊपर 2, तो नीचे x घात 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि ऊपर बराबर या ज़्यादा है तो पहले डिवाइड करना होता है। ऊपर घात कम होनी चाहिए, अधिकतम घात कम होनी चाहिए, तभी वो a अपॉन b अपॉन में टूटता है। अब ऐसा मन कर रहा होगा कि a अपॉन तो x माइनस वन कर दें और b अपॉन x माइनस टू, ऐसा नहीं करते। ऊपर कम घात होना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें डिवाइड करो। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो बटे एक्स माइनस वन एक्स माइनस दो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस दो एक्स माइनस तीन एक्स और प्लस दो। जब इसका इसमें भाग देंगे, तो मैंने इस चैप्टर में आपको भाग देना भी बता दिया था कि अधिकतम घात में अधिकतम घात का भाग दो पहले पहले। तो यहाँ अधिकतम घात एक्स स्क्वायर, यहाँ भी ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। अच्छा, भाग देने का तरीका ही कर लो आप, मतलब तरीके से क्या मतलब है, ऐसे दे करें जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो में, इसका इसमें एक बार जा रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो, इसमें से इसको घटाएं तो चार एक्स बच रहा है मात्र, इसका इसमें भाग दिया, एक बार तो जा रहा है और शेष कितना बच रहा है, चार एक्स। तो अपनी जो प्रमेय रहती है भागफल शेषफल प्रमेय, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो बटे ये जो है कौन एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस दो बराबर कितना आ जाएगा, वन प्लस शेष बटे भाजक चार एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो। इसको ये लिख दिया, अब इसका समाकलन करो चाहे इसका समाकलन करो, अर्थात इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो बटे एक्स माइनस वन और एक्स माइनस दो डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन वन प्लस में फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो और डी एक्स, ठीक है। अब इसका समाकलन तो सरल है, और ये जो है ये नीचे देखो वन डी एक्स इस पर चढ़ा दिया प्लस फोर एक्स अपॉन ये जो है ना ये एक्स माइनस वन और x माइनस टू ही तो है, 4x अपॉन में x माइनस वन एक्स माइनस टू है, तो इसका समाकलन करना है। इसका कैसे होगा, आंशिक भिन्न में तोड़ के, इसका तो x कर देना, इसका a अपॉन x माइनस वन और प्लस b अपॉन x माइनस टू, अलग से i वन मान के अलग से समाकलन करना और वापस से फिर यहां रख देना,
ठीक है, ऐसे कई सवाल हमने कर लिए हैं भाई। अब मैं एग्जाम्पल 24वां कर रहा हूं, है ना भाई। एग्जाम्पल 24, माना आई बराबर वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। वन अपॉन में एक्स प्लस वन का स्क्वायर और यहां एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको तोड़ने की विधि मैंने बता रखी है, ऊपर कम घात है तो आंशिक भिन्न में तो ये टूटेगा ही टूटेगा, ऊपर कम घात है तो आंशिक भिन्न में तो ये टूट ही जाएगा। पर तोड़ने की विधि क्या रहती है लिखता हूं पहले, तो क्या समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर। अच्छा, समाकल्य को आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ा जाता है, देखो वन अपॉन में एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर ए अपॉन में तो एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। जिसके गुणनखंड नहीं होते, दुघात होता है ना, रैखिक नहीं होता है, उसको ऐसे तोड़ा जाता है। मैंने बताया है इस एक्सरसाइज में जो चार तरीके लिखाए थे उनमें ये वाला तरीका है। अच्छा, अब हमारा उद्देश्य है ए बी सी डी के मान ज्ञात करना। वो इसलिए देखो, इसका समाकलन करो और चाहे इसका समाकलन करो, एक ही बात है। तो इसका समाकलन हो तो जाएगा, पर अभी ए बी सी डी ज्ञात कर लें पहले। कैसे करते हैं, इधर भी लौत्तम इधर भी लौत्तम, इधर तो लौत्तम क्या लेना, ज्यों की तो आएगा, इधर तो ज्यों की तो। और इधर एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। एक्स ओहो लौत्तम गलत ले दिया हमने ना, एलसीएम आएगा इसका एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, एक्स प्लस वन यहाँ देंगे तो स्क्वायर में तो फिर भी एक एक्स प्लस वन तो बचेगा और ये बचेगा, ए के गुणा में आया एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस बी के गुणा में केवल ये आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और सी एक्स प्लस डी के गुणा में एक्स प्लस वन का स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इसका एलसीएम लेके हल करके लिखा है, हर तो कट रहे हैं तो वन इक्वल टू ए इंटू में तो एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसके थ्रू हमें ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं, इसके थ्रू हमें ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं, इन गुणनखंडों को बराबर जीरो करने से ये महसूस होता है कि एक्स हमें क्या रखना है। अच्छा, उसके बाद नहीं महसूस हो रहा हो ना, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है,
दो तीन वैल्यू रख दो, ए बी सी डी में समीकरण आ जाते हैं और उनको हल कर दो, ए बी सी डी के मान आ जाते हैं, जैसा अभी करेंगे देखना। रैखिक है उससे तो पता चल जाता है एक्स क्या रखना है, इसे रखो एक्स प्लस वन बराबर जीरो ना, तो एक्स बराबर माइनस एक, एक्स बराबर माइनस एक पर एक बराबर ये तो जीरो, माइनस एक का स्क्वायर, अरे ये तो जीरो हो गया ना पूरा, माइनस एक का स्क्वायर एक प्लस एक दो, दो बी और ये भी जीरो हो गया, यहां से बी की वैल्यू आ गई है एक बटे दो, ठीक है। अच्छा अब मैं एक्स बराबर क्या रखूं, तो और कोई गुणनखंड तो है नहीं एक्स प्लस वन के अलावा, तो एक्स की कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है, जब कुछ भी की छूटे तो इस वैल्यू रखो जो छोटी से छोटी और सही प्रदान करे, जीरो रख देते हैं। एक्स बराबर अगर आप जीरो रख देते हो ना, तो वन इक्वल टू जीरो प्लस वन और जीरो प्लस वन, ये भी वन, वन इंटू वन ए आ गया कुल मिला के, जीरो प्लस वन वन इंटू बी बी और जीरो प्लस डी डी और जीरो प्लस वन वन, कुल मिला के डी आ रहा है। ए बी सी डी में अभी इसको हल किया जा सकता है बी की वैल्यू रख के, बी जब वन बाई टू रखेंगे ना यहां, तो वन बाई टू इधर घटेगा वन में से, जब इसमें बी की जगह वन बाई टू रखोगे ना आप, तो वन बाई टू इधर आएगा वन में से घटेगा ना, तो कुल मिला के ए प्लस डी बराबर कितना वन बाई टू, ए प्लस डी बराबर वन बाई टू, ए का मान आ बी का मान आ चुका है ना, और एक ए और डी में एक समीकरण ही आ गया। अब x बराबर क्या रखें, एक रख दो, इसी में रखना होते हैं सब, इसमें है ना, x बराबर एक रखूं ना, x बराबर एक पर दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, x बराबर एक पर एक बराबर इसमें x की जगह एक रखा जा रहा है ना, तो एक प्लस एक दो और एक प्लस एक दो, दो गुणा दो चार ए बन रहा है, यहां x की जगह एक रखा तो एक और एक दो बी, दो बी और यहां x की जगह एक रखा तो ये तो एक प्लस एक दो का स्क्वायर चार, चार सी प्लस चार डी, चार सी प्लस चार डी ये आया। आप ऐसा करो, देखो हमें हल करने कैसे करके, एक तो दो बी का मान कितना है, बी का मान एक बटे दो है तो दो बी का मान एक है, एक बराबर चार ए प्लस एक इसका वैल्यू है ना, और प्लस चार सी प्लस चार डी, यहाँ से चार ए प्लस चार बी तो हो गया, चार सी प्लस चार डी बराबर जीरो बैठ रहा है। अगर आप चार ए और चार डी में से चार चार का भाग दे दो ना पूरे में आप, तो ए प्लस सी प्लस डी बराबर जीरो, चूंकि ए प्लस डी हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं एक बटे दो, तो ए प्लस डी की जगह एक बटे दो रख दो आप, एक बटे दो प्लस सी बराबर जीरो, तो सी बराबर माइनस का एक बटे दो, कौन कौन की वैल्यू आ चुकी, बी की आ चुकी एक बटे दो, सी की आ चुकी माइनस एक बटे दो, ठीक है। अब ए और डी के लिए और चाहिए, अभी तो ए की बच रही है और डी की बच रही है। अब एक्स बराबर क्या रखें, माइनस एक तो पहले रख दिया हमने, जीरो रख दिया, एक रख दिया, दो रख दो, क्या किया जाए, एक्स बराबर दो, इसमें एक्स बराबर दो पर, तो एक बराबर
एक्स की जगह दो रख रहे हैं हम, ठीक। ए की वैल्यू थोड़ी आई है अभी, सी की और एक्स की आई है। एक्स की जगह दो रखते हैं तो दो प्लस एक तो तीन, और दो दो चार और एक पाँच, पाँच तीन पंद्रह तो ए, ठीक है। कितना रख रहे हैं एक्स की जगह दो रख रहे हैं, दो दो चार और एक पाँच, पाँच बी एक्स की जगह दो रख रहे हैं, दो प्लस एक तीन, तीन का स्क्वायर नौ, बाहर तो नौ और टू सी प्लस डी, ठीक। यहां बी और सी की वैल्यू रखी जा सकती है, एक बराबर पंद्रह ए प्लस पांच बी, बी का मान एक बटे दो है शायद, तेरह और नौ दो अठारह है, अठारह सी, सी कितना है माइनस एक बटे दो, और नौ डी। तो देखो पंद्रह ए और प्लस नौ डी तो मैंने एक तरफ रखा, और इसको देखो ये आया माइनस के नौ, इधर आएगा तो प्लस के दस और माइनस के पाँच बटे दो। पंद्रह ए प्लस नौ डी बराबर दस दो बीस माइनस पाँच पंद्रह बटे दो, ठीक है। और एक ए प्लस डी बराबर एक बटे दो, और चूंकि हमें पता है ए प्लस डी बराबर एक बटे दो, पूरे में दो का गुणा कर देते हैं दोनों में पहले, थोड़ा सा यूँ समझोगे जाने, दस ए प्लस अठारह डी बराबर पाँच, दो ए प्लस दो डी बराबर एक। इन दोनों को हल करोगे आप तो किसकी वैल्यू आने वाली है, ए और डी की, और बी और सी पहले आ चुके हैं। जब चारों आ जाएं, सुन लेना क्या करना है, निकाल ही देंगे, निकाल ही देते हैं। इनके मान अगर हम निकालें, देखो ए के और डी के, इसमें पाँच का गुणा कर दो दूसरे वाले समीकरण में, पहला वाला तो दस ए प्लस अठारह डी बराबर पाँच, दूसरे वाले समीकरण में पाँच का गुणा कर रहा हूँ जिससे ये दस हो जाएगा, गुणांक बराबर हो जाएंगे, फिर घटा देना गुणांक बराबर करके, तो दस तो ए प्लस दस डी बराबर कितने का गुणा पाँच का। इसमें से जब इसको घटाएंगे, अठारह में से दस जाएगा तो आठ डी बराबर जीरो, डी बराबर तो जीरो आ गया, बढ़िया बात है। अब चूंकि ए प्लस डी एक बटे दो है और d की वैल्यू जीरो आ गई है, a बराबर कितना आ गया एक तरीके से एक बटे दो। चारों मान आ चुके हैं, चारों मान आ चुके a b c d के, है ना, a तो एक बटे दो, b एक बटे दो, c माइनस एक बटे दो और d जीरो। तो ऐसे था, है ना, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन का समाकलन बराबर इतने का समाकलन, कितने का, ए बटे एक्स प्लस वन बी बटे एक्स प्लस वन का स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स।
अब इनका समाकलन कैसे होगा सुनो, ए बी सी डी के मान रखना आप, फटाक से हो जाएगा। ए का मान एक बटे दो है और एक्स प्लस वन डी एक्स, बी का मान भी एक बटे दो है एक्स प्लस वन का स्क्वायर डी एक्स, और डी तो जीरो है, सी का मान माइनस एक बटे दो एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। थोड़ा अच्छे तरीके से लिखें, एक बटे दो वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, लॉग में होगा इसका, प्लस एक बटे दो वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इसका कैसे होगा एक्स घात माइनस दो मान लेंगे इसको, और एक्स घात माइनस दो प्लस एक बटे माइनस दो प्लस एक वाले से, और माइनस एक बटे दो एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसका कैसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानना, एक्स डी एक्स आएगा डी टी बटे दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मनी मन मान लेना। एक ही लाइन तो बची है, कर ही रहा हूं, लो एक बटे दो इसका तो लॉग एक्स प्लस वन, इसका एक्स प्लस वन की घात माइनस दो प्लस एक और माइनस दो प्लस एक, माइनस एक बटे दो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी विचार करते हो तो एक्स डी एक्स डी टी बटे दो, पहले से बटे दो और है और एक बटे दो और आएगा, और लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 24 हो गया, 25 कराने की आवश्यकता नहीं, ऊपर कम घात ही है। ठीक है, और 26 और करा देता हूं मैं, लो 26 और एक और देख लेंगे ला, लिख तो लिया होगा शायद, दिख तो गया होगा, मतलब बिल्कुल धीमा धीमा चला रखा है मैंने, बिल्कुल धीमा धीमा कोर्स, कछुआ चाल में, और कछुआ तो हल्को कौन सा जानवर रे, बू बनो तो अलग बात है तुम्हारी भी, ये मैंने तो बहुत स्लो मोशन कोर्स चला रखा है, नहीं तो अब तक लंबी लंबी इस क्लास लेता ना एक घंटे से ऊपर की, और जल्दी जल्दी तो 10वां चैप्टर भी ख़त्म हो जाता, टोटल 11 हो जाते। जो बच्चे पीछे रहे वो खींच लिया करो थोड़ा सा, और आपकी जो क्लास हैं जो YouTube पर चल रही हैं, दो चार दिन ये और चल रही हैं, इसके बाद स्कूल अपनी तरफ से ऐप डिज़ाइन करवा लिया हमने, आने वाला है, फिर YouTube पर क्लास बंद हो जाएंगी, और आप स्कूल का जो ऐप होगा आप उस पर वीडियो देख पाएंगे, उसके लिए आपको लॉगिन आईडी लेने पड़ेंगे, पासवर्ड लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको स्कूल आना पड़ेगा, एक दो दिन पहले फ़ोन करवा देंगे आप लोगों को, है ना, कि भाई आ गए अब आ जाओ स्कूल। एग्जांपल 26, माना आई बराबर वन अपॉन साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, वन अपॉन साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, इसको पहले तोड़ लो आप टू साइन एक्स कोस एक्स में, या आई बराबर वन अपॉन साइन एक्स और नीचे आया टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉमन ले दूं, वन अपॉन में साइन एक्स और वन प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स। अब कुछ ऐसा देख नहीं रहा है कि भाई कॉस को टी मान दे तो ऊपर साइन नहीं है, साइन को टी मान दे तो ऊपर कॉस नहीं है,
अगर कॉस को टी माने तो ऊपर साइन चाहिए, तो साइन का ऊपर गुणा कर दो, नीचे भी कर दो, वन अपॉन, देखो ऊपर साइन एक्स का गुणा यहां लिख दिया, नीचे भी साइन एक्स का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और वन प्लस टू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस, ओहो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और वन प्लस टू कॉस एक्स, ये आया साइन एक्स डी एक्स, नीचे वाला वन माइनस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स और वन प्लस टू कॉस एक्स, ठीक। कॉस एक्स को टी मान लेंगे ना तो साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस का डी टी बनेगा, माइनस का है ना, कैसे करो, माना कॉस एक्स रावर टी, तो अवकलन करें तो एक तरह से माइनस साइन एक्स, और इसका डी टी अपॉन डी एक्स आता है जिसको हमें हर बार इधर लिख देता हूं, है ना, यानी कि एक तरह से ये देखो कि साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस की डी टी। तो जहां हम रुक के और मान लगे, मान के सही तरीके में आ गया, अब रुके हुए में आ जाओ, यहां आई बराबर कॉस एक्स तो टी, कॉस एक्स की जगह टी और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, वन माइनस टी, वन प्लस टी और वन प्लस टू टी, ठीक है। समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, जब समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं ना, तो माइनस वन अपॉन वन माइनस टी, वन प्लस टी और वन प्लस टू टी बराबर ए अपॉन तो वन माइनस टी, बी अपॉन वन प्लस टी और प्लस सी अपॉन वन प्लस टू टी, तो माइनस वन इक्वल टू ए के गुणा में तो वन प्लस टी वन माइनस टी, बी के गुणा में वन माइनस टी, ध्यान थोड़ा इधर उधर चला गया, हाँ ये तो ज्यों के त्यों तार रहा हूं मैं, माइनस वन अपॉन वन माइनस टी, वन प्लस टी और वन प्लस टू टी, इधर ये एलसीएम आ गया, कितना वन माइनस टी, वन प्लस टी और वन प्लस टू टी। अब ऐसे कुल मिला के हो जाएगा, तरीका वही है। अब यहाँ ए बी सी के कुछ गुणा मांगेंगे, चलो इसका इस स्टेप को तो लिख ही देता हूँ, ए के गुणा में तो आएगा वन प्लस टी और वन प्लस टू टी, बी के गुणा में आएगा वन माइनस टी और वन प्लस टू टी, और सी के गुणा में आएगा वन प्लस टी और वन माइनस टी, ये नीचे वाले कट जाएंगे, एक समीकरण से आएगा, उसमें एक बार तो टी बराबर माइनस एक रख देना, यहाँ से मालूम पड़ी मुझे, एक बार टी बराबर माइनस एक बटे दो और एक बार टी बराबर एक, तीन वैल्यू रखेंगे तो ए बी सी के मान आ जाएंगे, फिर पुनः कहाँ पहुँच जाएंगे, इस जगह पर, कह भाई इसका समाकलन करो चाहे इसका करो, थोड़ा सुन लेना, इसका समाकलन ये तो छोड़ो कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन वन माइनस टी है ना, लॉग वन माइनस टी अपॉन माइनस वन और आएगा, ये मत भूल जाना, अपॉन में माइनस वन, इसके अवकलन गुणांक का भाग जाता है, ऐसे लॉग वन प्लस टी अपॉन में बन ही आएगा, तो लॉग वन प्लस टू टी अपॉन टू आएगा इसमें अवकलन गुणांक का भाग, ठीक है। तो इस तरीके से
लगभग जो मुझे लगे वो मैंने एग्जाम्पल आपको करा दिए, और एग्जाम्पल ही तो है उसमें, देख लिया करो कैसे हो रहा है। एक जो एग्जाम्पल है ना एक्स पावर एन माइनस वन वाला 28वां, वो ऐसे हो रहा है जैसे मैंने 9.4 का क्वेश्चन नंबर 22 किया था उसी तरीके से, ठीक है। तो अब हम 9.5 की ओर चलते हैं भाई। नौ पॉइंट पाँच में किस तरीके का सवाल है? देखो सूत्र तो इसमें कोई नया है नहीं, पुराने सूत्र चल जाएंगे, इस एक्सरसाइज में कोई नया सूत्र नहीं है, बस सवाल दो तरीके के हैं। अच्छा इस एक्सरसाइज के सवाल इसमें जो मेथड दिया है उससे भी हो सकते हैं, कुछ एक कह रहा हूँ, और पुराने 9.4 के मेथड से भी हो सकते हैं, एक सवाल दो मेथड से हो सकता है। कैसा इससे क्यों करो ऐसे कर, तो बिल्कुल वैसे हो सकता है, हर सवाल नहीं, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इसी एक्सरसाइज के मेथड से होंगे, 9.5 के मेथड से होंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो देखो कौन कौन से तरीके के हैं। पहला, माना आई बराबर इंटीग्रेशन, पहला जो तरीका है वो आपके होंगे कॉन्स्टेंट बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा यदि इसके गुणनखंड हो जाते हैं तो आंशिक भिन्न से भी हो सकता है, आंशिक भिन्न में तोड़कर, ठीक। अच्छा और एक तरीका ये भी है, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर इसको पूर्ण वर्ग बना दो। अच्छा ये तो हमेशा ही लग जाएगा, भले एक फैक्टर हो रहे हो ना तब भी पूर्ण वर्ग बना सकते हो आप, ठीक। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद, पूर्ण वर्ग बनाने के बाद कौन कौन से प्रारूप में आ जाएगा? पूर्ण बनवाने के बाद, पूर्ण वर्ग बनाने के बाद कौन कौन से प्रारूप में आ जाएगा? सुनो, या तो के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका क्या है 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, या ऐसा भी हो सकता है 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना था 1/2 ए लॉग ए माइनस एक्स अपॉन सॉरी ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या ऐसा भी आ सकता है 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होगा 1/a और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तीन प्रारूप हैं, इनमें से कोई से में आ सकता है। मैं सवाल लेता हूं पहले इसी पर आधारित साइड में एक, मैंने ले लिया साहब क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, सरल एक्सरसाइज है ज्यादा ही कछु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1/9x²-12x + 8 dx,
नौ एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस आठ डी एक्स, ये आपको दिया हुआ है। कैसे करेंगे? इसी प्रारूप में तो है, कांस्टेंट बटे दुघात। गुणनखंड हो रहे हैं क्या? थ्री एक्स प्लस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, गुणनखंड शायद नहीं हो रहे हैं। आठ नाम बेहतर नहीं हो रहे हैं ना, गुणनखंड नहीं हो रहे तो क्या किया जाए? फिर पूर्ण वर्ग बनाया जाए। पूर्ण वर्ग पहले भी बना चुके हैं, विधि याद है क्या कैसे बनाते थे? एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वन करना होता है सबसे पहले, तो कैसे बंद करते हैं? वैसे ना करें, मिटा के कॉमन लेके नौ कॉमन ले लेता हूं, आई बराबर एक बटे, अच्छा नौ तो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस बारह बटे नौ और प्लस आठ बटे नौ डी एक्स, ठीक। अब क्या करते हैं, जब एक्स स्क्वायर गुणांक प्लस एक हो जाता है, अभी तो पूर्ण वर्ग बनाया जा रहा है, मैंने कहा है ना पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाने के बाद इनमें से कोई ना कोई से प्रारूप से मैच कर जाएगा इन तीन सूत्रों से, जिनके मैंने लिख भी दिए हैं, पहले आ चुके हैं हालांकि ये। तो देखो कैसे बनाते थे, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं घटाते हैं, एक्स का गुणांक बारह बटे नौ का आधा छः बटे नौ का वर्ग छत्तीस बटे इक्यासी हुआ, है ना, छत्तीस बटे इक्यासी, आधा तो हुआ छः बटे नौ और वर्ग हुआ छत्तीस बटे इक्यासी। तो मैं क्या करूँगा, आई बराबर एक बटे नौ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बारह बटे नौ एक्स प्लस आठ बटे नौ प्लस छत्तीस बटे इक्यासी और माइनस छत्तीस बटे इक्यासी डी एक्स। देखो ये और ये तीनों ठीक है मिलके या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितने का बनाते हैं पता है? ये 2ab वाला पद होता है, माइनस है तो a माइनस बी का स्क्वायर के साथ, a क्या है b क्या है, अरे ये a स्क्वायर है तो a x है, ये b स्क्वायर है तो b कितना पता है, छः बटे नौ। कुल मिला के x माइनस छः बटे नौ को होल स्क्वायर, इसको अगर आप हल करते हो तो शायद कितना बचेगा, 81 तो एलसीएम ले लिया हमने, देखता हूँ प्लस का बचता है कि माइनस का, 9 नौ नौ आठ बहत्तर, बहत्तर माइनस छत्तीस, छत्तीस बचा प्लस का, ये आया और डी एक्स, ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, इतने बड़े को एक्स कैसे मान लिया, रैखिक है ना तो मान सकते हैं, यानी ये आया एक बटे नौ एक बटे एक्स माइनस छ बटे नौ का स्क्वायर प्लस छत्तीस बटे इक्यासी ना छ बटे नौ का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब एक बटे नौ तो जोंकी तो, और ये आया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप एक्स की भांति व्यवहार कर सकते हो, कारण क्या है, क्योंकि ये रैखिक है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को वन बाई ए, वन अपॉन ए और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स तो है माइनस के छः बटे नौ और बटे ए छः बटे नौ, ठीक है, इसको देख लेना सॉल्व करके, जो भी आ जाता है वही आंसर रहेगा। तो एक दो तीन चार, चारों क्वेश्चन
बिल्कुल डिटो इसी पैटर्न पर हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा इसी पैटर्न पर हैं। अच्छा, इसी पैटर्न पर ये अंडर रूट में भी आ सकता है, बिल्कुल यही तरीका रहेगा, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, बस यहां अंडर रूट लगे आ सकते हैं। अंडर रूट वाले सूत्र भी हमने पढ़ लिए। मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक पहले चार क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है, ये चार, एक दो तीन चार। अच्छा, इसी प्रकार 13, 14, 15, 16, ना 13, 14, 15 और 12, ये चार क्वेश्चन, मतलब 12, 13, 14, 15 सेम ये स्टाइल में पूर्ण वर्ग बना के 12, 13 और 14, 15। तो मैं 15वां कर रहा हूं। देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा तो अभी अभी मैंने कराया था ना, बिल्कुल उसके जैसा है, और बिल्कुल उसी के जैसा हल्का सा चेंज अंडर रूट आ गया, बस कौन से 12, 13, 14, 15। तो आप आज जो आपको करने हैं, 1, 2, 3, 4 करने हैं और 12, 13, 14, 15 ये करने हैं, ठीक है। और आगे करा पाया तो ठीक है, नहीं तो यहीं तक करने हैं आपको। कौन सा कराना चाह रहा था मैं, 15वां। माना आई बराबर 1/ अंडर रूट में 4 + 3x और -k 2x² dx। ये सवाल है, 1/ में अंडर रूट में 4 + 3x और -k 2x², ठीक। कैसे करना होगा, आई बराबर पूर्ण वर्ग बना, दोघात है ना इसलिए, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला शर्त तो यह है ना कि x² का गुणांक +1 होना चाहिए, x² का गुणांक +1। यहां तो -2 है, तो -2 तो आप कॉमन ले लो, तो x² -3/2x और -k 2 dx। -2 कॉमन ले लिया है, आई बराबर 1/√, ठीक है, -2 कॉमन। अब अगला स्टेप लो, x² का प्लस गुणांक कर दिया +1, अब x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। x का गुणांक है -3/2, इसका आधा हुआ -3/4 और वर्ग हुआ 9/16। तो देखो, x² - 3/2x - 2 +9/4 और -9/4, हाँ 16 dx, ठीक है। ये और एक ये वाला जो स्टेप है, ये तीनों हमेशा पूर्ण वर्ग रहते हैं, या तो होते हैं a + b² या होते हैं a - b². ये निर्भर करता है इस पद पे, -2ab है ना, अगर यहाँ माइनस है तो a - b² और अगर यहाँ प्लस होता है तो a + b². फिलहाल माइनस है तो a - b². एक सेकेंड 1/√ -2। अब देखो, a - b² ए तो है एक्स है और बी है 4/ ना, इसका वर्गमूल लेना है 3/4 और माइनस लेंगे a - b का। देखो, ये b² होता है तो b क्या होगा, इसका वर्गमूल, और बचा ये
दस दो माइनस के 20 और माइनस के 9 माइनस के 29 बटे 10 और dx, ठीक है। दो को तो बाहर ले लो और माइनस अंदर जाएगा, माइनस बाहर नहीं आ सकता वर्गमूल के, माइनस वर्गमूल के बाहर नहीं आ सकता। केवल दो ले लो, एक बटे रूट दो और एक बटे अंडर रूट, जब माइनस लेंगे इसके आगे माइनस और ये प्लस, 29 बटे 10 माइनस एक्स माइनस 3 बटे 4 का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। या आई बराबर एक बटे रूट दो तो ही है, यहाँ आ जाओ, एक बटे इस 29 बटे 2 को 10 को रूट 29 बटे 10 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, इसे 29 बटे 10 को रूट 29 बटे 10 का होल स्क्वायर। अब ये क्या सूत्र बन गया, वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, ये रेख के इसलिए एक्स की बात व्यवहार किया जा सकता है। तो ये तो जो कि तो एक बटे रूट दो, ये वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक, और प्लस सी। अब ये थोड़ा मोटा छोटा मोटा हल किया जा सकता है, और कोई बाई चांस वैसी मिस्टेक हो गई जोड़ घटाओ में तो देख लेना, क्योंकि आंसर सूटेबल सा महसूस नहीं हो रहा है, हो सकता है आंसर हो, तरीका ही रहेगा, ऐसे नहीं छोड़ना होता है। हालांकि चार लौतम लेके चार एक्स माइनस तीन बटे चार गुणा इससे करना होता है, ठीक है। तो 12 13 14 15 बिल्कुल ऐसे ही हैं, और 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 8, और एग्जाम्पल 29 30 और 32 33, 4 3 12 क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से सुन लेना, एक्सरसाइज का तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, और 12 13 14 15 8 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल में आ जाइय 29वां और 30वां और 32वां और 33वां, इनको आपको करना है, सरल हैं बिल्कुल ऐसे प्रारूप के हैं, ठीक है। आप बाकी के जो शेष क्वेश्चन हैं इसके कल कराएंगे, 9.5 सरल है, कल ही हो जाएगी आसानी से 2 दिन के अंदर, ठीक।